Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about one of the most influential figures of the 20th and 21st century. He is one and only Noam Chomsky. He's an American linguist, philosopher, cognitive scientist, historian, logician, social critic, and political activist. इसका मतलब है कि वो एक versatile genius है कि जिसने हर field में बहुत अच्छा और शानदार काम किया है. Noam Chomsky is described as the father of modern linguistics, कि उसे जदीद लिसानियात का बानी भी कहा जाता है. Is also a major figure in analytic philosophy and one of the founders of the field of cognitive science. अब हम आते हैं कि ये analytical philosophy क्या है. इसे linguistic philosophy भी कहते हैं. ये एक loosely related set of approaches है to philosophical problems. Dominant in Anglo-American philosophy from the earlier 20th century, कि वो problems जो 20वीं सदी से Anglo-American फलसफे में चले आ रहे हैं, तो ये जो approach है, it emphasizes the study of language and the logical analysis of concepts. और cognitive science क्या है? Cognition का मतलब होता है concerned with the act or process of knowing or perceiving. तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है माइंड की और इंटेलिजेंस की, न्यूरोसाइंस की, लिंग्विस्टिक्स की और एंथ्रोपोलॉजी की. उसकी जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है चॉम्स्की की, उसमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें एक है यूनिवर्सल ग्रामर. यूनिवर्सल ग्रामर ये जो है थ्योरी है जेनेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द लैंग्वेज फैकल्टी. The basic postulate of universal grammar is that a certain set of structural rules are innate to humans, independent of sensory experience. मतलब वो यही कहता है कि language का जो essential structure है वो आपके दिमाग में मौजूद है और इसी को वो universal grammar कहता है. आगे हम TGG, ये उसका मशहूर concept है कि कुछ लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं जिनके ज़रिए आप इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं जनरेट कर सकते हैं. ये 1950s में उसने डेवलप की थी थ्योरी. और उसके बाद आता है मिनिमलिस्ट प्रोग्राम. ये मिनिमलिस्ट प्रोग्राम क्या है कि लिंग्विस्टिक्स में एक मेजर लाइन ऑफ इंक्वायरी है या एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. It was used to guide the development of linguistic theory. It appeals to the idea that the language ability in humans shows sign of being incorporated under an optional design with exquisite organization, which seems to suggest that the inner workings conform to a simple computational law or a particular mental organ. मतलब फिर वही universal grammar ही कह लें कि हमारे अंदर वो सलाहियत इननेटली मौजूद है, या जो है लैंग्वेज के बारे में हम प्रोग्राम्ड हैं और इसलिए हम लैंग्वेज क्या है वो आसानी से सीख लेते हैं. अब जो है कुछ टर्म्स जो उसने इन्वेंट की, ये जुमला बेहद मशहूर है और बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली. ये उसकी बुक थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, जिसमें उसने इस सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया कि ग्रामेटिकली तो दुरुस्त है बट सिंटैक्टिकली ये नॉनसेंसिकल है, कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती. उसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा इन्वॉल्व है और इंट्रिकेट है, मगर आप कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे. इसे कहते हैं चॉम्स्की हायरार्की. हायरार्की कहते हैं ग्रेजुअल ऑर्डर को, कि चॉम्स्की ग्रामर इज़ अ कंटेनमेंट हायरार्की. कंटेनमेंट आप जानते हैं ना, कीपिंग समथिंग अंडर लिमिट्स ऑफ क्लासेस ऑफ फॉर्मल ग्रामर्स, कि उसने फॉर्मल ग्रामर्स को हायरार्की में डिवाइड किया है. और ये 1956 में उसने डिस्क्राइब किया था.
ये आप देख रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट फ्री और रेगुलर और ये आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है एक स्ट्रक्चर्ड मीडियम है कम्युनिकेशन का चाहे ये स्पोकन हो या रिटन हो नेचुरल लैंग्वेज हो साइन हो या कोडेड लैंग्वेज हो या फॉर्मल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज हो ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं ये स्ट्रक्चर्ड मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू बेसिक एलिमेंट्स कि हर ज़बान के दो बुनियादी अज्जा हैं एक तो सिंटैक्स है ये जो ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह हैं या सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है और दूसरा सेमांटिक्स सेमांटिक्स आप जानते हैं मीनिंग को कहा जाता अब ये भी आप जानते हैं कि मीनिंग डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजेज कि कॉन्टेक्स्ट बाउंड होते हैं मीनिंग्स डिपेंडिंग अपॉन रिस्ट्रिक्शंस एंड कम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट इन द ग्रामर लैंग्वेजेस फाइंड अ प्लेस इन द हायरार्की ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस कि जो किसी ज़बान की कम्प्लेक्सिटी है या जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके हवाले से उसने तमाम लैंग्वेजेस को एक हायरार्की में जो है प्रेजेंट किया है या ढाल दिया है इसके साथ जो है इस पे काम एक और न्यूरो साइंटिस्ट ने भी किया था जिसके नाम था रेने शूत्साम बर्चे अब हम देखते हैं कि इन लेवल्स के बाद जो है कौन कौन सी ग्रामर जो है उसने डिस्क्राइब की पहली है टाइप ज़ीरो ये रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है कि इसमें सारी फॉर्मल ग्रामर्स क्या हैं वो शामिल हैं ये टाइप वन ग्रामर है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है कि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं उनकी ग्रामर शामिल है तीसरा है टाइप टू ग्रामर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं उनकी ग्रामर इसके अंडर आती है और टाइप थ्री ग्रामर है या रेगुलर ग्रामर के इससे जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उन्हें जनरेट किया जाता अब हम आते हैं उसके और कॉन्सेप्ट की तरफ उनमें जो है एक मशहूर कॉन्सेप्ट है डिजिटल इन्फिनिटी इट्स अ टेक्निकल टर्म इन थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स कि ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाली एक टेक्निकल इस्तलाह है पहले हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स क्या है कि इट कंसर्न्स द कोर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कि जो लैंग्वेज के बुनियादी एलिमेंट्स हैं उनके मुतालिक बात की जाती है नेमली फनेटिक्स फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स एंड प्रैग्मैटिक्स इन एडिशन टू दीज एरियाज एंड देयर इंटरफेसेस इट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कि इनके अलावा इसमें जो है लैंग्वेज एक्विजिशन का मुतालिया भी किया जाता है बल्कि उस पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी इसी डिसिप्लिन के अंडर आती है द टर्म डिजिटल इन्फिनिटी एक्सप्लेन्स द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस फॉलो अ सिंपल लॉजिकल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ लिमिटेड सेट ऑफ डिजिट्स इररिड्यूसिबल एटॉमिक साउंड एलिमेंट्स are combined to produce an infinite range of potentially meaningful expressions. मतलब वो ये कहता है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि infinite use है finite means के ज़रिए कि जितनी भी human languages हैं कि उनके अंदर एक simple logical principle मौजूद है और इस principle के मुताबिक एक limited set of digits जो हैं इन्हें combine किया जा सकता है और इनसे जो है इन्फिनिट रेंज ऑफ पोटेंशली मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं मतलब ये लैंग्वेज की जनरेटिव क्वालिटी है कि रूल्स क्या हैं वो लिमिटेड है मगर उनके ज़रिए जो ज़बान जो है जनरेट की जाती है वो इन्फिनिट है अब हम उसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं वो है इंटरनल लैंग्वेज एंड एक्सटर्नल लैंग्वेज और इसे आई लैंग्वेज और ई लैंग्वेज भी कहा जाता है आई लैंग्वेज क्या है आई स्टैंड्स फॉर इंटरनलाइज्ड एंड रेफर्स टू द इंटरनल लिंग्विस्टिक नॉलेज इन द माइंड ऑफ एवरी स्पीकर कि जो हर स्पीकर के माइंड में जबान का जो नॉलेज है उसे आई लैंग्वेज कहते हैं और जो ई लैंग्वेज है ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल और एक्सटर्नलाइज्ड एंड रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल लैंग्वेज आउटसाइड पीपल्स माइंड
मतलब हम इसे कहेंगे इट्स द लैंग्वेज दैट पीपल एक्चुअली प्रोड्यूस एज इट इज परसीव्ड. और इसका मुताले आपको बताए सोशियो लिंग्विस्टिक्स में किया जाता है, डिस्कोर्स एनालिसिस में किया जाता है. अब हम आते हैं फॉर्मल ग्रामर की तरफ. फॉर्मल ग्रामर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स फॉर स्ट्रिंग्स इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. द रूल्स डिस्क्राइब हाउ टू फॉर्म स्ट्रिंग्स फ्रॉम द लैंग्वेजेस अल्फाबेट दैट आर वैलिड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस सिंटैक्स. कि किस तरह लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को मद्देनजर रखते हुए सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं जनरेटिव ग्रामर की तरफ. जनरेटिव ग्रामर इज अ लिंग्विस्टिक थ्योरी दैट कंसीडर्स ग्रामर टू बी अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज इंटेंडेड टू जनरेट एग्जैक्टली दोज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेज इन अ गिवन लैंग्वेज. कि मतलब किस तरह से लैंग्वेज में जनरेशन होती है, कि किस तरह से हम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए नए से नए सेंटेंसेज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, इसे हम जनरेटिव ग्रामर में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट प्रोग्राम. ऑन लिंग्विस्टिक्स द मिनिमलिस्ट प्रोग्राम इज अ मेजर लाइन ऑफ इंक्वायरी that has been developing inside generative grammar since the early 1990s starting with a 1993 paper by Chomsky. मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर जो है मैं इसे दोहरा देता हूँ कि ये क्या है, एक conceptual framework है जिसे इस्तेमाल किया जाता है to guide the development of linguistic theory. It appeals to the idea that the language ability in human shows signs of being incorporated under an optimal design with exquisite organization, which seems to suggest that the inner workings conform to a simple computational law or a particular mental organ. मतलब ये कहते हैं कि हम perfectly designed हैं language acquire करने के लिए और language इस्तेमाल करने के लिए. उसे वो minimalist कहता है कि मतलब थोड़े से रूल्स हैं, वही यूनिवर्सल ग्रामर है जिसके ज़रिए हर जो है ज़बान का स्पीकर जो है अपनी अपनी ज़बान में इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जनरेट कर सकता. आगे प्लेटोस प्रॉब्लम, कि ये क्या है कि द टर्म गिवन बाय चॉम्स्की टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन नो सो मच गिवन आवर लिमिटेड एक्सपीरियंस. कि हमारा एक्सपीरियंस तो लिमिटेड है, फिर हम इतना कैसे जान लेते हैं, इस पर मतलब उसने रिसर्च की. चॉम्स्की बिलीव्स दैट प्लेटो आस्क्स यूजिंग मॉडर्न टर्म्स हाउ वी शुड अकाउंट फॉर द रिच इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक कहते हैं बिलोंगिंग नेचुरली या एसेंशियल कह लें, इनबॉर्न कह लें या इनहेरेंट कह लें या इननेट कह लें. कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. Cognition, the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought and experience. कि किस तरह से हम सब कुछ ये सीख लेते हैं. When it seems undetermined by extrinsic evidence presented to a person during human development. Extrinsic कहते हैं not part of the essential nature of someone or coming or operating from outside. मतलब वो ये प्रॉब्लम है कि ये जो इतना रिच वेरिड और कॉमन स्ट्रक्चर है ह्यूमन कॉग्निशन का, ये कैसे पॉसिबल है. इसको मतलब अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी के तौर पे चॉम्स्की ने शुरू किया और इस पर वो काम करता रहा. लास्ट है स्केंशन. स्केंशन की मतलब आम तारीफ तो यही होती है कि ये एक मेथड है या प्रैक्टिस है ऑफ डिटर्मिनिंग एंड यूनियली ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द मीट्रिकल पैटर्न ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स. कि शायरी की वर्स का जो मीटर है उसको डिस्क्राइब करना, ये स्केंशन कहलाता. और अब हम लिंग्विस्टिक्स के हवाले से देखते हैं कि इज द एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द मीट्रिकल कैरेक्टर ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स. ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई. अब हम चॉम्स्की के हवाले से देखते हैं कि दीज थेरीज एम प्रिंसिपली एट द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लिसिट लिंग्विस्टिक रूल्स
that will generate all possible well-formed instances of a given meter and exclude any that are not well-formed. Okay. जिनका मकसद ये है कि हम जो है ऐसे लिंग्विस्टिक रूल्स बनाएं जिनके जरिए ऑल पॉसिबल जो इंस्टेंसेस हैं किसी मीटर के वो हम जनरेट कर सकें और जो वेल फॉर्म नहीं है उन्हें हम एक्सक्लूड कर सकें. तो ये उसका काम था. अगरचे ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं मगर आप इन्हें बार बार सुनेंगे, बार बार गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको समझ भी आ जाएगी और आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद भी कर लेंगे. चॉम्स्की जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चॉम्स्की के बारे में सवालात क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं. लेट्स कॉल इट अ डे. सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़.